sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever. Hello beauties, welcome or welcome back to my channel. This is Mia Purva and you're watching Glamaholic Official. सो अगर आपको सीखना है कि कॉकटेल ग्लैम पीजी लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. सो फॉर माय बेस मैंने लिया है गार्नियर का ब्राइट कंप्लीट का मॉइस्चराइजर. ये बेसिकली क्रीम फॉर्मूला में है और ये आपके फेस को एक ड्यूई इफेक्ट देता है. फॉर माई फाउंडेशन मैंने लिया है लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन. पर्सनली मुझे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है जस्ट बिकॉज ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, बट अगर आप कैजुअल लुक क्रिएट कर रहे हो देन इट्स ओके. मैं अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आप ब्लेंडर से कम्फर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. अब अपने ब्लश के लिए मैंने अपने पैलेट से पिंक कलर यूज़ किया है और दिस पैलेट इज़ फ्रॉम SFR विच इज़ द न्यूड पैलेट. हमें अपने पैलेट से सबसे पहले लाइटर शेड यूज़ करना है. सो सबसे पहले मैं लाइट पिंक यूज़ कर रही हूँ और इसे मैं पुट कर रही हूँ अपने क्रीजिंग एरिया पे. एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ रोजी पिंक कलर जो कि थोड़ा डार्क है कंपैरेटिवली जो फर्स्ट कलर हमने यूज़ किया था उससे. इसे भी हम सेम एरिया पे पुट करेंगे सो दैट हमारा जो दोनों कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. अब हम अपने पैलेट का डार्केस्ट पिंक कलर यूज़ करने वाले हैं और उसे पुट करने वाले हैं अपने आईलिड के सेंटर पे. इसे मैंने आउटर डायरेक्शन में स्पंज कर दिया है सो दैट हमारा जो आई लुक है वो थोड़ा सा स्मोकी लगे. दो इट्स पीची लुक बट स्मोकी काफ़ी अच्छा लगेगा हमारे आउटफिट और हमारे लुक के अकॉर्डिंग. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? मैं पिंक कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ. मोस्टली लोग इस स्टेप को स्किप करते हैं बट आप मत करना बिकॉज ये एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके आई मेकअप लुक को कंप्लीट करता है. सो अपने लोअर लैश लाइन पे आई शेडो लगाना कभी मत भूलिएगा. एंड देन गोल्डन कलर मैंने इस पैलेट से लिया है और उसे मैं पुट कर रही हूँ अपने ब्रो बोन पे और टियर डक पे. इसे हम एज आर हाईलाइटर यूज़ कर रहे हैं. Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. हमारे इस लुक का कंप्लीट गेम चेंजर होने वाला है हमारा व्हाइट काजल. सो मैंने इस लुक के लिए व्हाइट काजल यूज़ किया और इसे मैं अप्लाई कर दे रही हूँ अपने वाटर लाइन पे. मैंने इस लुक के लिए कोई आईलाइनर यूज़ नहीं किया है. एंड देन फॉर मस्करा मैंने लिया है ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्करा. ये काफ़ी अच्छा मस्करा है, कम वॉल्यूम देता है आपको, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देता बट कैजुअल लुक के लिए इट्स फाइन. Will someone look for me if I disappear?
No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up. लास्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन लिपस्टिक. ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था. ये काफ़ी अच्छा न्यूट सा शेड है. आप इस लुक के साथ पिंक कलर भी कैरी कर सकते हो, बट थोड़ा सा क्लासी लुक देने के लिए मैंने ब्राउन कैरी किया है. एंड देन मैं अपने ब्रो को फिल कर रही हूँ यूजिंग APK जेल लाइनर. इसे आपके ब्रोज अच्छे से फिल हो जाते हैं. आप चाहो तो ब्राउन का यूज़ करो, क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा डीप लुक देता है. मैंने अपने ब्रोज को अच्छे से फिल कर दिया है. साथ ही साथ मैं थोड़ा सा जो ब्लैक जेल लाइनर है वो अपने आईज़ पे पुट कर ले रही हूँ, साइड्स पे. वो थोड़ा सा और डीप लुक देने के लिए अपने आईज़ को. लास्टली ये भी कंप्लीट हो. सो फाइनली हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस लुक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.